45 वार्ड घूमी होंगी। जी जी जी। 45 वार्ड में सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से? आप कैंपेन कर रही हैं, बहुत लोग आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन पूरे आरावासी जो है वो आपके कैंपेन में नहीं जा सकते हैं, तो जनता क्या कह रही है ये जनता को बताइए आप। पहले बैठाइएगा तब ना काम देखिएगा, पहले बैठाइए। तो कहीं पर भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, अगर वो बाहर जाती हैं तो उनको घर ही आना पड़ेगा सीधा। हाँ, पीने का पानी का व्यवस्था कहीं नहीं है कि अगर उनको प्यास लगी तो वो खरीद के ही पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी का व्यवस्था पूरे शहर में कहीं नहीं किया हुआ। आप तैयार कर रही है कि स्वीटी कुमारी जीतने के बाद रोड पे दिखाई देंगी कि फिर गाड़ी पे? मेयर ऑन ड्यूटी तो बता देती हूँ। हाँ, मेयर ऑन ड्यूटी, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। हाँ, अभी स्थिति नरकीय बनी हुई है, ये आगे नहीं दिखने वाला। आप ही अकेले निकल जाती हैं? जी जी बिल्कुल। जरूर नहीं लगता यार अबे? नहीं बिल्कुल, मैंने पूरा वीडियो देखा है। मेयरी किसी को नहीं चाहिए, सबको मेयर चाहिए। मेयर पति नहीं चाहिए, महिला सब कुछ कर सकती है। महिला 9 महीना कोख में पाल के पुरुष को इसे जन्म दे सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सोच बदलने की बात है, समाज खुद ब खुद बदल जाएगा और विकास जो है उसकी तलाश जारी है, विकसवा जरूर मिल जाएगा, ये भी बात है। इस बार आपको विकसवा जरूर मिलेगा। 16 से 17 किलोमीटर पर इन बार में 16-17 किलोमीटर जी। कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो आपको लगता है कि उससे हमारा टक्कर है, आप काम नहीं करेगा, ये आपको कैसे पता है कि आप रिजाइन पहले ही सोच ली है? बिहार का भी हमारा में है और आरा की प्रत्याशी स्वीटी कुमारी जो है वो बाहर निकली हुई है। रोड की स्थिति और रोड के बगल की स्थिति आपको पता चल जाएगी कि क्या है, वो बताने वाली बात नहीं है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? इसी मोहल्ले में है। इसी मोहल्ले में? हाँ। मोहल्ला कौन सा कहलाता है? कतीरा। कतीरा में? हाँ, हाँ। अच्छा, ये कैसन प्रत्याशी लागे? अच्छी है। सामने बारी था बोला था? नहीं ना ना, मेरे बगल में पड़ोसी है। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं इनसे। चुनाव का जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन किया था तो बहुत वायरल हुआ था, हिंदी इंग्लिश और भोजपुरी जिस तरीके से इन्होंने एक साथ मिक्स किया था, तो आज हम बात करेंगे इनसे फिर से। मैडम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कैंपेन कैसा चल रहा है? जी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है पूरा। अच्छा, आप तो 45 वार्ड घूमी होंगी? जी जी जी। 45 वार्ड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? देखिए, मैं तो जहाँ भी गई हूँ हर जगह सपोर्ट मिला है, हर जगह लोग इतना ही प्यार दिखाए हैं। अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि जनता किस तरफ ज्यादा खुश है, ये जनता उस दिन बताएगी, वोटिंग के दिन। वोटिंग के ही दिन? जी। अच्छा, क्या कह रही है जनता ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, आप कैंपेन कर रही हैं, बहुत लोग आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन पूरे आरावासी जो है वो आपके कैंपेन में नहीं जा सकते हैं, तो जनता क्या कह रही है ये जनता को बताइए आप। देखिए, जनता अब चेंजेस चाहती है, विकास चाहिए उनको, और किसी भी मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहती है जनता। उनको विकास चाहिए क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई विकास हुआ नहीं है आरा में, तो अब सिर्फ विकास पे बात हो रहा है। देखिए, जब मेयर प्रत्याशी बात करते हैं तो ऐसा भीड़ लग जाता है, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पे, बुजुर्ग का आशीर्वाद जब मिलेगा तभी कोई बदलाव में परिवर्तन आएगा आरा में। पता बना चुनाव बा? 28 तारीख को है, याद है? हम इन लोग महिला के रहने वाली है, वोट देना भी है। सुटी ने है? हाँ हाँ। अरे पहले बैठाइएगा तब ना काम देखिएगा, पहले बैठाइए तो। पहले बैठाइए तब काम देखिए। अच्छा, ये बताइए कि नली गली ये तो समस्या है ही, और हमने कई सारे रिपोर्ट जो है वो दिखाए हैं ऐसा एक भारत पे कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, और क्या बदलाव की जरूरत है जो आपको अलग लगता? जी जी, देखिए, एक तो कि सबसे पहले मैंने देखा है कि मार्केट में अगर महिलाएं जाती हैं तो उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, जैसे कि कहीं पिंक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, अगर वो बाहर जाती हैं तो उनको घर ही आना पड़ेगा सीधा। हाँ, पीने का पानी का व्यवस्था कहीं नहीं है कि अगर उनको प्यास लगी तो वो खरीद के ही पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी का व्यवस्था पूरे शहर में कहीं नहीं किया हुआ। तैयार कर रही है सब? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यही सब करना ही है। अच्छा, कुछ जाते जाते सवाल पूछते हैं आपसे कि, हाँ चलते चलते बात करते हैं, आइए, क्योंकि ये जा रही हैं कैंपेनिंग में, तो हम लोग चलते हुए बात करेंगे और जानेंगे, कई सारी सवाल जो है हमारे मन में है वो हम पूछेंगे आज आपसे। लोग ये भी कहता है कि स्वीटी कुमारी जीतने के बाद रोड पे दिखाई देंगी कि फिर गाड़ी पे? बिल्कुल नहीं, मैं जैसे अभी कैंपेनिंग कर रही हैं, रोड मार्च कर रही हूँ, ऐसे ही आगे भी करती रहूँगी, और इसलिए करूँगी कि हाँ, जहाँ मैंने फंड पास किया
या जहाँ पर काम पास हो गया है वहाँ काम हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ मैं खुद जाके वहाँ पर देखना चाहूँगी कि काम हो रहा है या बस फिर वही हो रहा है जो पहले हो चुका है। तो अब वैसा कुछ होने वाला ही नहीं है। मेयर ऑन ड्यूटी, बता देती हूँ, मेयर ऑन ड्यूटी, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जो भी होगा सब कुछ सामने होगा और विकास के नाम पे आपको हर जगह रोड दिखेगा, हर गली साफ दिखेगा। ये जो अभी स्थिति नरकीय बनी हुई है ये आगे नहीं दिखने वाला है। अच्छा, और सवाल और भी है, दो तीन सवाल है। पतिदेव कहाँ है आपके, खोज रहे थे उनको हम, कहाँ है पतिदेव? हमारे साथ नहीं है एक्चुअली, वो दूसरे जगह। हाँ मैंने, आप ही अकेले निकल जाती हैं? जी जी बिल्कुल। डर नहीं लगता यार हमें? नहीं नहीं, डर किस बात का है जी? चीना तरी? हाँ, ये है पड़ोसी है, भतीज पतो। पूरा आरा के पतो हो गई। ये अपन खास वाली ना, साथ में ना ना पास में रखा। कैसे लगा था, जीती हन कि का? ना ना जीती हन, एकदम एकदम जीती हन। ये इलेक्शन 28 के याद बा, याद बा। देखिए बहुत सारे चीजें हम जो है जब पहले हम न्यूज़ बनाए मैडम, तो कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि था कि इलेक्शन कब है। हमने सीरीज चलाया तो बताया 28 दिसंबर को, पता ही नहीं है। कई सारे लोगों को ये नहीं पता है कि महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। हाँ तो हाँ, और कई सारे लोगों से जाके वकील साहब लोगों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि मेयर नहीं, हमने जब सवाल पूछा कि मेयर चाहिए या आपको मेयर पति चाहिए, अब कुछ क्या, अब ये बताइए कि मेयर होना चाहिए या मेयर पति होना चाहिए? सबका जवाब एक ही रहा है कि मेयर चाहिए, मेरी नहीं। हाँ देखा है वो वीडियो? बिल्कुल, मैंने पूरा वीडियो देखा है। मेयरी किसी को नहीं चाहिए, सबको मेयर चाहिए। औरत कुछ भी कर सकती हैं, जैसे आप बोले कि मेयर नहीं, मेयर पति चाहिए कि मेयर चाहिए, तो हम लोग को मेयर चाहिए, मेयर पति नहीं चाहिए। महिला सब कुछ कर सकती है। अभी अभी जाग हुआ है, 15 में अकेले की है, करवाई है जाग। यहाँ चलिए अभी दिखाते हैं। भैया जब महिला 9 महीना कोख में पाल के पुरुष को इसे जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो यही तो आप लोग का समझना है, हम लोग समझ चुके हैं। हाँ, अब आप लोग को समझना है। नहीं बहुत सारे मेयर पति कह रहे हैं कि नहीं हम समाज में सेवा किए हैं तो हमारी मेयर हमारी पत्नी को जिताइए। भैया हम काम करेंगे, पत्नी आराम करेगी जीतने के बाद, के लिए आराम करेगी। जिसके बल पे आप वोट ले रहे हैं वो काम करने की भी क्षमता रखती है, ऐसा नहीं है। के लिए पोस्ट पे आए हैं कि काम करने के लिए आए हैं, आराम करना है तो घर में आराम कीजिए, फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों पोस्ट पे आने के लिए इतना बेचैन है? पुरुष कभी नहीं कर सकता है, यही सोच आप लोग बदलिए अपने आप में। देखिए सोच बदलने की बात है, समाज खुद ब खुद बदल जाएगा और विकास जो है उसकी तलाश जारी है, विकसवा जरूर मिल जाएगा, ये भी बात है। क्या इस बार आपको विकसवा जरूर मिलेगा, ये तय बात है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगा, इस बार आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये विकास ही ना दीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिन भर में कितना किलोमीटर आप चल रही हैं, ये भी सवाल है। रोज पैदल 16 से 17 किलोमीटर पर दिन भर में 16-17 किलोमीटर? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं मोबाइल में देख रही हूँ कि स्टेप्स कितना हुआ, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि मैं रोज 16-17-18 किलोमीटर पैदल चल रही हूँ। हर रोज मैं रोज मार्च कर रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, सबकी बातें सुन रही हूँ और ऐसे ही आगे भी चलती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि आज चल रही हूँ क्योंकि आज चुनाव है और वोट लेना है, आगे भी मैं ऐसे ही जाके पब्लिक से मिलूंगी और जाके उनकी सारी समस्याओं को सुनूंगी जो अभी नहीं होता है। ये सब बहुत चेंजेस आएगा, बहुत चेंज आने वाला है। अंति कुमारी का टक्कर किस, कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो आपको लगता है कि उससे हमारा टक्कर? मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे टक्कर में है, कोई नहीं है टक्कर में। सिर्फ स्वीटी कुमारी का चर्चा, स्वीटी कुमारी का ही चर्चा है। देखिए कई सारी महिलाएं जो है वो सुनना पसंद कर रही हैं, इनको जब भी देख रही हैं तो यहाँ पे आके सुन रही हैं। अभी एकदम नया ना मैम, ठीक ना? अब की बार तार लोग के मने और प्रत्याशी लोग पसंद देखे बा प्रत्याशी, लेकिन अब की बार देखे सब कोई कहते देखते बा, लेकिन मैडम के खाल देखल जाए। हाँ और का, ये न का नाम रही का हो क्वेश्चन, प्रत्याशी क्वेश्चन बड़ी ठीक बड़ी ठीक बड़ी काम हुई विकास तलाश बानो मिल गई ना? अभी मिलल नहीं है, मिल जाई तो देखिए। अच्छा मैडम, कई सारे लोग बोल रहे थे कि आप माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, क्यों नहीं माइक पे बोली? प्रचार एक्चुअली देखिए
मैं यहाँ पर अपना प्रचार करने नहीं आई हूँ, यहाँ पर कथा चल रहा है, मैं उसमें आई थी, यज्ञ चल रहा है, तो अब यहाँ पर आके प्रचार करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं बोला। कई सारे लोगों ने दबाव दिया कि नहीं मैडम कुछ बोलिए कुछ बोलिए, माइक दे रहे थे तब भी नहीं बोली। जी जी, नहीं नहीं, प्रचार नहीं करना है, एक्चुअली ये पूजा पाठ का जगह है, यहाँ प्रचार नहीं करना है। फिर भी लोग जान गए जी, वो अच्छी बात है। एक सवाल है, आपने कई सारे इंटरव्यू में कहा है कि मैं काम नहीं करूंगी तो रिजाइन दे दूंगी, क्यों ऐसा कहा आपने? ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जनता मुझसे बार बार क्वेश्चन करती है कि सब तो आते हैं यही कहते हैं कि मैं काम करूंगा मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद भूल जाते हैं आफ्टर चुनाव, तो आप ये बोलिए कि कैसे आप बोल रही हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि देखिए मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, तो मैं अगर काम किसी भी कारणवश अगर नहीं कर पाती हूँ तो मैं रिज़ाइन दे दूंगी। ये सवाल ये है कि रिज़ाइन जो है आप काम नहीं करेगा, ये आपको कैसे पता है कि आप रिजाइन पहले ही सोच ली है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सोच रखा है काम तो करना ही है, लेकिन क्योंकि अगर काम नहीं कर पाई, हो सकता है किसी प्रेशर की वजह से नहीं कर पाऊँ, किसी भी कारणवश नहीं। सर मतलब क्या पति देव का प्रेशर रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, पति देव का नहीं, कुछ ऊपर का प्रेशर हो या जो भी हो कुछ ऐसा, तो मैंने बोला है कि मिनिस्टर तो आप ही हैं घर की ना? हाँ बिल्कुल, बॉस तो आप ही हैं ना? जी, पति देव तो बोलते ही नहीं होंगे। नहीं, उनका इसमें कुछ कुछ नहीं चलेगा, लेकिन अगर कुछ ऊपरी प्रेशर की वजह से मैं नहीं कर पाई तो मैं रिज़ाइन जरूर दे दूंगी, क्योंकि मुझे कुर्सी पे बैठने का शौक नहीं है, मुझे विकास करना है और आरा शहर को चमका देना है। बिल्कुल, सवाल लास्ट सवाल है, इस बार का निगम चुनाव जो हो रहा है वो पब्लिक के बीच में जा रहा है, डोमेन पब्लिक डोमेन में जा रहा है, कितना बदलाव देख रहे हैं आप पब्लिक और पहले वार्ड पार्षद चुनते थे, कितना परिवर्तन आ सकता है? बहुत परिवर्तन, इस बार तो 100% परिवर्तन, लोग मन बना अच्छा है, बहुत डोमेन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले वार्ड मेंबर चुनते थे तो क्योंकि पब्लिक की मजबूरी थी, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज इनके वश में है कि इनको कौन मेयर चाहिए, आज ये सोच समझ के अपनी समझ बूझ के साथ अपना मेयर चुनेंगे, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक पब्लिक झेल रही थी, अब पब्लिक झेलेगी नहीं, अब जो भी डिसीजन लेगी वो उनका खुद का स्वयं का डिसीजन होगा। खबर में इतना ही, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, जरूर बताइएगा ये प्रत्याशी कैसी लगी आपको, आपको क्या लगता है आरा में बदलाव की बहार स्वीटी कुमारी के साथ है या नहीं है, जरूर बताइएगा, और क्या लगता है आपको कि स्वीटी कुमारी जीत के आएंगी तो जिस तरीके से अभी पैदल चल रही हैं, क्या वो चलेंगी, क्या मेयर बन के आएंगी तो मेयर के पति के बिना भी वो ऐसे ही चलेंगी और ऐसे ही काम करेंगी, जांच बैठाएंगी, इन्होंने कह दिया कि मैं खुद जाऊंगी और खुद जाके जांच बैठाऊंगी, तो ये सारी बातें इन्होंने कहा है। खबर में इतना ही, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, जरूर राय दीजिएगा अपनी। जय हिंद जय बिहार, मैं रैना सिंह सहयोगी रोशन गुप्ता के साथ, आरा भोजपुर बिहार। आपका अपना ऐसा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।